तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीजा की वीडियो में। मैंने काफी सारे कंट्रीज के वीजा की वीडियो बना रखी है और वो सारी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, या उन्हीं कंट्रीज की बनाता हूँ या तो मेरे को पता हो बिल्कुल एग्जैक्ट कि हाँ भाई ऐसे वीजा मिलता है या फिर मैं उनमें विजिट कर चुका हूँ। तो आज मेरे को एक कंपनी ने अप्रोच किया, चीफ वियतनाम वीजा डॉट नेट करके, ये अप्रूवल लेटर देते हैं वियतनाम वीजा के लिए। तो मैंने वैसे भी बहुत बार देखा है कि वियतनाम वीजा के लिए जो लेटर चाहिए, उस जो लेटर है उसमें काफी सारी कंपनी स्कैम में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने इनसे खुद लेके देखा वियतनाम वीजा का लेटर और मेरे को मतलब मिल गया वियतनाम वीजा का लेटर, और काफी मेरे दोस्तों ने भी यही रिकमेंड करी थी जो जो वियतनाम जा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो वियतनाम वीजा के लिए भाई दो प्रोसेस होते हैं इंडिया में, या तो आप वीजा ऑन अराइवल ले लो जो कि मैं पूरा रिकमेंड करता हूँ, कोई झंझट नहीं होगा उसमें, और या तो आप एम्बेसी में जाके ले लो। अब एम्बेसी में अगर आप जाओगे तो मतलब आपका दिन खराब होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करके आओ, ये सब वो सब, तो उसके बारे में मेरे को पता भी नहीं है। और जो वियतनाम ऑन अराइवल वीजा के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है। ऑन अराइवल के लिए आपको एक तो चाहिए होगा अप्रूवल लेटर, जो कि आपको कोई भी साइट प्रोवाइड कर देगी, पर सबसे चीप जो अप्रूवल लेटर प्रोवाइड कर रही है वो चीप वियतनाम वीजा डॉट नेट, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो $6 में प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको मतलब कहते हैं 2 दिन में आपको अप्रूवल लेटर दे देंगे, पर वो लगभग 4 से 5 घंटे मेरा आ गया था, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन मान के चल लो अगर आप वीकेंड पे अप्लाई कर रहे हो तो। और ये जो लेटर है ये मतलब खुद कंपनी नहीं बना के देती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आता है वियतनाम के, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा खर्च करोगे, $6 में 2 दिन, फिर $13 में आपको कम 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 ऐसे इस हिसाब से आपको मतलब लेटर मिल जाएगा। और अब जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, बाय एयर ही जा सकते हो इसको लेके, तो $6 का तो आपको इनविटेशन लेटर लेके जाना है, और ऊपर से $25 आपकी स्टैम्पिंग फीस लगेगी जो कि एयरपोर्ट पे देनी है आपको। 1 महीना और 3 महीना की स्टैम्पिंग फीस सेम है, बस जो लेटर है उसकी कॉस्ट अलग है, और आपको 2 फोटो लेके जानी है और एप्लीकेशन फॉर्म। इससे लग जाएगा आपका वियतनाम का वीजा। और अब आप वीडियो देखो कि इसमें इनविटेशन लेटर आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस। तो शुरुआत करते हैं वियतनाम वीज़ा इनविटेशन लेटर की वेबसाइट पे जाने से। कुछ इस प्रकार आपको वेबसाइट दिख जाएगी जब खुलेगी। तो इसमें सारा लिख रखा है कि आपका कितना फ़ीस लगेगा, कितना स्टैम्पिंग फ़ीस लगेगा एयरपोर्ट पे। तो आपका 1 महीना सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आपका स्टैम्पिंग फ़ीस लगेगा 25, मल्टीपल के लिए 50, और जो 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 लिख रखा है उसके हिसाब से। तो हम करेंगे 1 महीना सिंगल एंट्री वाला अप्लाई। तो इसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको इनविटेशन कितनी देर में चाहिए। जैसे अगर आपको 2 दिन में चाहिए तो $6, अगर आपको अर्जेंट 8 घंटे में चाहिए तो $13। फिर ऐसे ही जैसे जैसे टाइम फ्रेम घटाते जाओगे उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते जाएंगे, पर मैं रिकमेंड करूँगा $6 वाला ले लो, 2 दिन पहले अप्लाई कर लो। तो सुपर अर्जेंट 1 घंटा $51, और जितना मतलब आप नॉन वर्किंग डे में चाहिए, अगर आपको अर्जेंट वाला चाहिए तो वो भी ये वेबसाइट करके देगी आपको। तो हम भाई अपना सेलेक्ट करेंगे $6 वाला, क्योंकि हमको कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम 2 दिन पहले मंगा लेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन कहते हैं वैसे थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। तो फिर आपका एक फॉर्म खुल जाएगा पूरे का पूरा, जिसमें आपको अपना अपने बारे में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, प्राइमरी ईमेल, डेट ऑफ अराइवल, फ़्लाइट रेफरेंस, देना चाहो तो फ़्लाइट रेफरेंस दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो ना भी दे दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोर्ट ऑफ अराइवल, मतलब आप पोर्ट ऑफ अराइवल वैसे डिसाइड कर कर को आप हनोई जा रहे हो ची मिन्ह, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो जैसे यहाँ पे मैं सिटीजनशिप भर रहा हूँ अभी। पर्पस ऑफ विजिट, प्राइमरी ईमेल एक दे दो, ऑल्टरनेट ईमेल देना चाहते हो तो दे दो, पर एक बार ईमेल आईडी चेक कर लेना क्योंकि उसी पे आपका इनविटेशन लेटर आएगा, गलत मत लिख देना। डेट ऑफ अराइवल मेरे हिसाब से आप कोई भी रैंडम डाल सकते हो। जो आप डेट ऑफ अराइवल डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 सितंबर डाला, तो इनविटेशन लेटर में लिखा आएगा कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इस बंदे को सिंगल एंट्री अलाउड है। तो मतलब आप 1 महीने तक उस टाइम फ्रेम में जा सकते हो वियतनाम इस लेटर के साथ। तो अगर आपको अपनी डेट अभी भी कंफर्म नहीं है तो 1 महीने का टाइम फ्रेम मिलेगा, और बिल्कुल 1 महीने के लिए जाना चाहते हो तो भाई फिर तो डेट कंफर्म करके डालना। पर्पस ऑफ विजिट में जनरली वेकेशन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, विजिट ना लिखो, क्योंकि विजिट में आपको थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, तो टूरिज्म या फिर वेकेशन इज़ द बेस्ट चॉइस। इसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा आपको भाई कैसे पेमेंट करनी है, पेपैल, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। तो मैंने पेपैल से पेमेंट करी थी। तो इसमें आपको पहले सारा चेक करवाएंगे कि भाई आपने सारा ठीक लिखा है या नहीं, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, जो आपको पासपोर्ट के अनुसार लिखना है सब कुछ, आधार कार्ड के अनुसार नहीं लिखना है।
तो कुछ इस प्रकार आपको कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, मैंने पेपैल से पेमेंट करी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मे बी आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करो तो कुछ और देखने को मिले, $6.436 कट गए। और मैंने जब ईमेल में जाके देखा तो पेपैल से एक ईमेल आएगा, मैंने पेपैल से करी थी इसलिए, और फिर आपको एक ईमेल आएगा वियतनाम वीज़ा की तरफ से, जिसमें आपका आईडी वगैरह होगा कि जो आपका ऑर्डर आईडी है वो आप ट्रैक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे कितनी देर में आपका इनविटेशन लेटर बन के आएगा। तो कुछ इस प्रकार आपका इनविटेशन लेटर दिखेगा, मेरा 4 घंटे में ही आ गया था, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा था कि भाई $6 वाला ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, पर फिर भी अगर बिल्कुल इमरजेंसी है तो आप ज़्यादा वाला ले सकते हो। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो मेरे पासपोर्ट डिटेल्स, कब से कब तक मैं एंटर कर सकता हूँ और ये सब, ऐसा कुछ आके आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलेगा। तो ये थी वियतनाम वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन, वियतनाम का अप्रूवल लेटर या फिर इनविटेशन लेटर कुछ भी कह लो, इस तरीके से आप वियतनाम वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑन अराइवल जाके। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियोस, मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जो यहाँ तक देख चुके हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो शुरू होने वाली है नॉर्थ कोरिया सीरीज की, तो तब तक के लिए बने रहना। बाय।